हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव सोफ्ती एंड वेलकम टू चैनल होम ग्राम। सो गोवा में वेकेशंस करते हुए मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ी सी अपडेट शेयर कर दूं, बिकॉज समथिंग वेरी बिग इज कमिंग इन द मार्केट। सो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करेंगे हम। द्वारका एक्सप्रेसवे की बिगेस्ट प्रोपोजिशन इन कमर्शियल प्रॉपर्टी, सो बिगेस्ट लॉन्च ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, टेक माय वर्ड्स, दिस विल मार्क अ प्रोजेक्ट, दिस विल मार्क अ लोकेशन, दिस विल क्रिएट हिस्ट्री ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। सेक्टर 106 लोकेशन है, जस्ट बिकॉज बिल्डर जो है अभी बड़ी प्राइमरी स्टेज में है, नेक्स्ट वीक लॉन्च करेंगे, हालांकि रेरा आ चुका है, स्टिल आई एम नॉट गोना टेक द नेम, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट, द काइंड ऑफ ग्लिम्स विच वी हैव गॉट, जिसमें हमारा मेन मोटो ये है कि ये किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, जस्ट टू पास इन्फॉर्मेशन टू यू। सो सेक्टर 106 पे आपको जहाँ पे 150 मीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे मिलता है, और अदर साइड देर इज अ सेक्टर रोड ऑफ 60 मीटर, इन दो मेन हाईवे पे आपको एक कमर्शियल मिल जाता है विच इज़ ऑफ ऑलमोस्ट 12.5 एकड़। इसके साथ एक सेक्टर रोड 24 मीटर भी जारी होती है और एक बैक साइड में भी रोड है। सो दिस विल बी द फर्स्ट कमर्शियल ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे विच विल बी फोर साइड ओपन। वन साइड इज 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे, अनदर साइड इज योर 60 मीटर ऑफ सेक्टर रोड जो कि सीधा शोभा सिटी के लिए निकलती है। इसके साथ जो है एक जो है 24 मीटर सेक्टर रोड निकलती है जो कि इनका एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ 2022 एंड, जो कि आज एक लौता बिल्डर है जो इसने इस ऊबर लग्जरी प्रोजेक्ट में जो यूनिट जिन इन्वेस्टर्स को सेल की थी उनसे बायपैक भी करनी शुरू कर दी है। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी इज, जैसे इनका रेजिडेंशियल ऊबर लग्जरी प्रोजेक्ट 3 BHK 4 BHK सोल्ड आउट, वेरी फ्यू इन्वेंट्रीज ऑफ 5 BHK इज हेयर। इसके अलावा कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो इन्होंने की दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट, इन्होंने वो मार्केट सेंटीमेंट पकड़ा जो एक्चुअली नीड ऑफ द मार्केट है। आज हम गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड देखते हैं, गोल्फ कोस्ट रोड देखते हैं, जहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज़ की आज वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और लाइफस्टाइल इम्बाइब किया था इन लोगों ने। सो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया प्रेजिडेंशियल विच वॉज सोल्ड आउट विद इन टाइम स्पैन ऑफ 2 to 3 months, और आज बाय बैक कर रहा है, पहला बिल्डर जो अभी बहुत बेसिक लेवल पे इस कंस्ट्रक्शन है फिर भी यूनिट बाय बैक कर रहा है क्योंकि नया रेट जो है 2 से 2.5 हज़ार रुपये ऊपर है। लॉन्चिंग हुई थी इसकी 13,900 रुपीज़ के आसपास, आज जो रेट पहुँच चुका है दैट इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश, द रेट विच बिल्डर कोर्स इज 16,750 रुपीज़। सो कमिंग बैक ऑन कमर्शियल, सो कमर्शियल प्रॉपर्टी में मैं पहले आपको ये बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है गुड़गांव की मार्केट में और ये प्रॉपर्टी कैसे सबसे अलग बन जाएगी एंड हाउ इट विल क्रिएट अ मार्क ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। द फर्स्ट थिंग इन कमर्शियल प्रॉपर्टी विच मैटर्स इज द कनेक्टिविटी, आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो कनेक्टिविटी में सबसे पहले आ जाते हैं आपकी लोकेशन, सेक्टर 106 एक लौता सेक्टर है जहाँ पे आप देखते हैं गुड़गांव वाली साइड भी बहुत पास में है, इट इज़ ऑलमोस्ट यू कैन से मिड ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ गुड़गांव के सेक्शन का एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे आप SPR भी बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे एंड यू कैन क्रॉस डाउन दिल्ली बॉर्डर और आप IGI या फिर इंडियन कन्वेंशन कम एग्जीबिशन सेंटर, आपने जहाँ दिल्ली के लोकेशन में जाना हो वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। सो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है दैट इज सेक्टर 106 में, क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, एक लूप आ रहा है जिससे आप आराम से नीचे एग्जिट कर सकते हैं, इवन एंट्री करके वापस भी जा सकते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की अप्रोच सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर ये हाईवे आपका एलिवेटेड रहता और यहाँ पे कोई लूप ना होता तो शायद ये कमर्शियल प्रॉपर्टी उस लेवल पे ना चल पाती। सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट इज द अप्रोच रोड, द लोकेशन। आज इसको 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे भी कनेक्टिविटी मिलती है, 60 मीटर से भी कनेक्टिविटी मिलती है, इवन 24 मीटर सेक्टर रोड से भी कनेक्टिविटी मिलती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है जो कि मैंने देखा है, द कमर्शियल प्रॉपर्टी जस्ट सेल ऑन वन सिंगल थिंग, इफ देयर इज अ वेरी गुड फुटफॉल तो आपकी प्रॉपर्टी जो है 100% चलेगी और रेंटल यील्ड बहुत अच्छी आएगी। बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, गुड़गांव में गलेरिया मार्केट होगी इनमें से एक, क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल इतना ज़्यादा तो दुकानों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो वैसे ही फुटफॉल की अगर मैं बात करूँ, लगभग इस एरिए में जो आप 109 में आप देखते हैं, इट इज़ ऑलरेडी अ रेजिडेंशियल हब, सो कॉन्सियंट एक लौती कमर्शियल मार्केट है जो कि यहाँ पर ऑपरेशनल है। इसके अलावा 7 प्रोजेक्ट्स हैं, 1 टाउनशिप है जिसमें आपको रहेजा मिल जाता है, ATS की 2 टाउनशिप मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप बात करें शोभा सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट टाउनशिप ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, दैट इज़ ऑल्सो देयर। फिर आसपास की लोकेशन में इंडिया बुल्स का एनिग्मा प्रोजेक्ट है, फिर पारस प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आगे हम जाते हैं तो
वन ऑफ द वेरी गुड प्रोजेक्ट जो कि अगर आप देखेंगे पुरी का एक प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 111 में, फिर इस साइड जो है एक्सपीरियन का विंच एंड आ जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इन द वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. तो कमर्शियल का चलने का मेन कारण फुटफॉल है. तो इसके आसपास ऑलरेडी एक रेजिडेंशियल हब बना हुआ है और आने वाले टाइम पे बढ़ता जाएगा. द्वारका एक्सप्रेसवे की आप लोगों ने न्यूज़ सुनी ली है, दो दिन पहले ऑनरेबल नितिन गडकरी जी हैज़ एक्चुअली सर्वे द द्वारका एक्सप्रेसवे और अगले एक महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा. तो ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा. इसके अलावा इन हाउस ऑर्गेनिक फुटफॉल की बात करें तो यहाँ पे 2,500 के आसपास लोग हु हैव ऑलरेडी बॉट दैट ऊबर लग्जरी प्रोजेक्ट. 18 टावर्स हैं जहाँ पे लोग यहाँ पे रहेंगे, वो लोग भी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है यूज़ करेंगे. सो अब मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे आता हूँ. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज द प्रोपोजिशन. सो 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें आपको 4 साइड रोड फेसिंग यूनिट्स मिल जाती हैं. बीच में 3.5 एकड़ का एक एट्रियम है और इनसाइड भी आपको एट्रियम फेसिंग यूनिट्स मिल जाती है. सो देर आर 2 काइंड्स ऑफ यूनिट, आइदर इट इज रोड फेसिंग और इट इज एट्रियम सेंट्रल एट्रियम फेसिंग. तो 3.5 एकड़ का एट्रियम है विच इज अगेन अ हाईलाइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जिसमें मुझे लगता है कि 3.5 एकड़ में जहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज आती है वहाँ पे ये लोग एट्रियम बना रहे हैं. तो एक पॉइंट और ऐड करूँगा इस चीज़ में, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट योर रेंटल प्रोस्पेक्टिव, बिल्डर का लीजिंग पे होल्ड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो लीजिंग की अगर हम बात करें, दे हैव दैट काइंड ऑफ पास रिकॉर्ड. इफ यू सी देयर पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट बिफोर 2.5-3 ईयर्स दे हैव स्टार्टेड डूइंग लीजिंग ऑन अ वेरी गुड स्केल. तो एक प्रोजेक्ट है, मिराकल है, मर्केडो है, फिर एपिक है, टाउन सेंट्रल है. आप जाके देखेंगे पिछले 1.5 से 2 साल में इस ग्रुप ने लीजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है. सो प्रॉपर्टी, एनी कमर्शियल प्रॉपर्टी विच इज हैविंग अ गुड लीजिंग विल हैव अ वेरी गुड स्कोप ऑफ रनिंग द होल शो. सो इस प्रोजेक्ट में आपको मैं बता देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द हाई स्ट्रीट जो कि आपको ग्राउंड, लोअर ग्राउंड, फिर उसके बाद जो है ऊपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर मिलेगा, जिसमें आपका वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेप्लेक्स इज कमिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कोर्ट इज कमिंग. इसके अलावा दे आर कमिंग अप विद देयर 4.5 एकड़ 5 स्टार होटल. सो यही प्रेमिसेस में जहाँ पे ऑलमोस्ट 30 एकड़ का रेजिडेंशियल लैंड पार्सल है, 12 एकड़ का ऑलमोस्ट हाई स्ट्रीट का कमर्शियल है, वहीं पे 4.5 एकड़ में आपको जो है एक 5 स्टार होटल चेन मिलेगी. यू विल नॉट बिलीव गाइस, दे हैव ऑलरेडी साइंड दैट ब्रांड. तो जैसे आप वेस्टर्न देखते हैं तो वेस्टर्न प्रॉपर्टी बनाई किसी और ने है, बस हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जो है वेस्टर्न है. वैसे ही ये ग्रुप जो है इस होटल को बनाएगा, बट इट विल बी रन बाय वन ऑफ द 5-स्टार हॉस्पिटैलिटी चेन. सो इट इज़ अ ऐड ऑन फीचर क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक फुटफॉल कहीं ना कहीं लेकर आएगा. फिर अगर हम बात करते हैं आगे, इस प्रोजेक्ट में जो 2-3 बड़े नाम हैं, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. जिस आर्किटेक्ट ने कैमेलियाज की जो है लैंडस्केपिंग की है, वही 40-45 एकड़ का पूरा जो रेजिडेंशियल कमर्शियल का प्रेमिसेस है उसकी लैंडस्केपिंग करेगा. इसके अलावा बेनॉय इज वन ऑफ द ब्रांड जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहा है. सो दीज आर सम काइंड ऑफ बिग नेम्स विच हैज ऑलरेडी बीन विद ब्रांड. सो दे आर प्लानिंग फॉर अ मेगा लॉन्च जिसमें प्रेस रिलीज में ये जो हॉस्पिटैलिटी चेन है उसको भी लेकर आएंगे. 100+ ब्रांड हैज बीन ऑलरेडी साइंड. सो गाइज, दिस प्रॉपर्टी विल मार्क अ बेंचमार्किंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, टेक माय वर्ड्स. सो नेक्स्ट मंडे, ये अपकमिंग मंडे जो है चेक लेने शुरू कर देगा बिल्डर. सो रेरा आ चुका है, थोड़ा बहुत जो है बिल्डर अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कर रहा है. अगर आपको और डिटेल जाननी है या प्रायोरिटी जनरेट करवानी है या इस प्रोजेक्ट में कैसे आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, #mark एंड WhatsApp पे आप शेयर कर सकते हैं. विल शेयर द टिकट साइज, फिर भी आपको टेंटेटिव टिकट साइज बता देता हूँ. टेंटेटिव टिकट साइज लगभग 1,80,00,000 से शुरू होकर इट गोज अप टू 6-7 crore. सो ये टेंटेटिव टिकट साइज है. 600 से 800 स्क्वायर फीट से लेकर 1,000 से 1,200 स्क्वायर फीट तक की दुकानें हैं. सो 22 फीट का जो है आपको ग्राउंड फ्लोर पे मेन हाइट मिलती है. और इसके बारे में और डिटेल्स जब एक बारी बिल्डर अपनी तरफ से पूरी कॉन्फर्मेशन के साथ सारी प्रेजेंटेशन दे देगा, वी विल मेक अ फुल फ्लैश वीडियो ऑन दिस. दिस वॉज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पज. होप यू लाइक द वीडियो. अगर अच्छी लगी हो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइस.